कानपुर शहर के नए पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल को पदभार संभालते ही डबल मर्डर का सामना करना पड़ा है। वाटोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत पैसों के विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त को पदभार संभालकर कुछ ही घंटे हुए हैं और ऐसे में ही नागपुर शहर में डबल मर्डर की वारदात सामने आ रही है। गुरुवार की रात शहर के बाटोड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाली खरबी के साई बाबा चौक पर ये वारदात हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार पैसों के विवाद से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक में सनी सुरुटकर और कृष्णकांत और कन्नू भट्ट बताया गया है। दोनों फाइनेंस का काम करते हैं। आरोपी में किशन शिंदे, योगेश शिंदे, विक्की कोहली और एक नाबालिग आरोपी बताया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सनी ने किरण को अपने नाम पर दुपहिया वाहन के लिए फाइनेंस कराया था, साथ ही कुछ पैसे भी दिए थे। पिछले कुछ दिनों से उसने हफ्ते नहीं भरे थे, इसी के चलते दोनों में विवाद चल रहा था। गुरुवार को भी सनी ने किरण को फोन कर पैसों की मांग की। फोन पर भी दोनों में विवाद हुआ। इसी के बाद किरण, कृष्णकांत और मनीष मोहिती ये तीनों साई नगर चौक पर किरण से मिलने पहुंचे। वहीं योगेश, विक्की और नाबालिग वहां पर मौजूद थे। मिलने के बाद भी दोनों में विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि सभी आरोपियों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। ये दृश्य देख मनीष वहां से फरार हो गया और इस बात की जानकारी सनी के घर वालों को दी। घटना के बाद वाटोड़ा पुलिस को जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। कृष्णकांत की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और सनी की अस्पताल में मौत हुई है। फिरियादी मनीष मोहिते के शिकायत पर पुलिस ने किरण और योगेश को आष्टी से गिरफ्तार किया तो वहीं बाकी आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 2/2/2024 रोजी रात्रि 12 ते 12:30 वाजे सुमारास साईबाबा नगर या ठिकाणी एक कंट्रोलचा कॉल होता की दोन इसम बेशुद्धावस्थेत पडलेले आहेत। त्यानंतर तात्काळ तिथे घटनास्थळी भेट देऊन जखमी असलेले इसम कृष्णकांत भट आणि सनी सुराडकर हे दोन व्यक्ती जखमी होते, त्यांना हॉस्पिटलला तत्काळ उपचारासाठी दाखल केले। ते दोन्ही इसम उपचारादरम्यान मयत झालेले आहेत। सदर आणि त्यांना मारणारे किरण शेंडे आणि योगेश शेंडे आणि इतर दोन या लोकांनी त्यांना पैशाच्या वादावरून जुने किस्त भरण्याच्या कारणावरून व उसने दिलेल्या पैशाच्या कारणावरून त्याच्यात वाद होऊन त्यांना मारहाण केलेली आणि त्यांना गंभीर दुखापत झाल्यामुळे ते मयत झालेले आहेत। एक वाहन घेऊन दिलेलं होता, दुचाकी वाहन, त्याचं किस्त भरण्यावरून त्यांचा आणि उष्णेफी देण्यावरून त्यांचा वाद चालू होता। त्या वादाच्या रूपामध्ये त्यांच्या शिवीगाळी वारंवार होऊन त्यांचं घटना गंभीर घटना घडलेली आहे। सनी सुराडकर आणि किरण शिंदे हे एका परिसरात राहण्यासाठी होते गांधीबागच्या एरियामध्ये, तेव्हापासून त्यांची ओळख होती। त्यानंतर त्यांच्यात सनी हा फायनान्सचे काम करायचा आणि किरण आणि त्याचा भाऊ योगेश हे दुचाकी वाहनाच्या शोरूममध्ये नोकरीसाठी होते। मनीष मोहिते हा दोन्ही पार्टीकडून तो कॉमन फ्रेंड होता, सनी सराडकर आणि किरण शेंडे। त्या दोघांची जी तक्रार आहे ती मिटवण्यासाठी ते त्या ठिकाणी गेलेले होते। त्यांच्यावरून तो वाद विकोपाला गेला, अचानक हल्ला झाला आणि त्याच्यामध्ये ते गंभीर जखमी होऊन ते मयत झालेले। आरोपी निष्पन्न झालेले तपासामध्ये आम्ही निष्पन्न करीत आहोत आणि तात्काळ तसं त्यांना या पुढच्या ह्याच्यामध्ये तपासामध्ये आम्ही निश्चितपणे त्यांना ताब्यात घेऊन अटक करू। तपास चालू आहे, नंतर आपल्याला कळवण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। सरकारी अभियंता को नागपुर में हनी ट्रैप में फंसा कर 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में युवती, पोर्टल पत्रकार, पुलिस कर्मी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने नागपुर में पकड़ा है। इस मामले से जिले में खलबली मच गई है। वर्तमान स्थिति में चारों आरोपी 5 फरवरी तक PCR में हैं। गंभीरता से लेकर पुलिस द्वारा की गई जांच में फिरौती मांगने वालों का बड़ा गिरोह सक्रिय है। गिरोह से 8 से 10 लोगों को जान में फंसाने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं इसी तरह फिरौती मांगने वाले 15 पत्रकार व फोटोग्राफर जिला पुलिस के रडार पर हैं। अभियंता को हनी ट्रैप पर फंसा कर फिरौती मांगने के मामले में पोर्टल पत्रकार, पुलिस सिपाही सुशील गवई, रोहित अहिर व ईशा ने इन चारों को LCP ने नागपुर में जाल बिछाकर हिरासत में ले लिया था। वहीं एक महिला आरोपी फरार होने में सफल हो गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। वहीं इधर जिला पुलिस अधीक्षक निरुपल के मार्गदर्शन में गढ़चिरौली पुलिस थाने के थानेदार अरुण फेगड़े मामले की जाँच कर रहे हैं।
गंभीरता से की जा रही जांच में पैसे वसूलने के मामले में एक गिरोह सक्रिय होकर इस टोली द्वारा अब तक 8 से 10 नागरिकों को जान में फांस कर फिरौती वसूले जाने की जानकारी मिली है। टोली का पर्दाफाश करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को नागपुर में ले जाकर दोबारा जांच करेगी। आरोपियों के मोबाइल हिरासत में लेने पर खलबली मचा देने वाली जानकारी सामने आई है, जिससे आरोपियों के घर समेत शिकायतकर्ता अभियंता जिस होटल में रुका था वहां भी जांच की जाएगी। आरोपियों द्वारा उपयोग की गई कार पुलिस ने जब्त की है। दंतौली पुलिस थाना अंतर्गत एक सेंधमारी की घटना सामने आई है, जहां मालिक से विश्वासघात कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुख्यात ने लाखों का माल चुरा है। आइए जानते हैं क्या है मामला। दरअसल धनतोली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले तिलक पत्रकार भवन के समीप क्षेत्र के निवासी 44 वर्षीय अजहर शेख का लैपटॉप बिक्री का कारोबार है, जिसका गोदाम धनतोली पुलिस थाना अंतर्गत क्षेत्र में स्थित है, जहां कई मजदूर काम करते हैं। उनमें से एक 20 वर्षीय बादल बाग जो सरस्वती नगर का निवासी है, उसने अपने साथी गोरखपुर निवासी जयसिंह चौहान और सरस्वती नगर तकिया निवासी नागेश वानखेड़े के साथ मिलकर लैपटॉप चोरी को अंजाम दिया। जब मामले की भनक गोदाम मालिक अजहर शेख को लगी तो उन्होंने गोदाम की सीसीटीवी खंगाली, जहां इन तीनों चोरों के करतूतों का पता चला, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए फिरियादी ने धनतोली पुलिस थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके संज्ञान पर धनतोली पुलिस ने आरोपी बादल को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अनुक्रम से सबको हिरासत में लिया गया है, जहाँ चोरों के पास से 7 लैपटॉप ऐसा कुल मिलाकर 3,80,000 का मुद्देमाल जब्त किया है और आगे की जाँच जारी है। धनतोली पुलिस थाना यहाँ पे 30 जनवरी 2024 को अजहर अहमद शेख जो लिनियो डेल और आसुस लैपटॉप की प्रिंजी कंपनी के विदर्भ के डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की थी कि उनके लैपटॉप गोडाउन से कुछ लैपटॉप चोरी हो गए और 3,80,000 का मुद्देमाल चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस थाना धनतोली इन्होंने कलम धारा 381 IPC के तहत गुना रजिस्टर किया था। उस दिन के जो कर्तव्य पे जो अधिकारी थे PSI शेख और हमारे जो तपास पथक की टीम थी NPC सुभाष वासाड़े, NPC बालू और PC ऋषभ, ये लोगों ने गुना रजिस्टर होते ही उस चीज़ पर यानी इन्वेस्टिगेशन किया। जो टेक्निकल इश्यूज है जो उस बेस पे सब CCTV फुटेज चेक करके वो कंपनी में काम करने वाले सभी जो स्टाफ है उनसे पूछताछ करने के बाद वहाँ पे वहाँ का काम छोड़ के गए हुए एक नागेश वानखेड़े रहना फकीरावाड़ी तकिया धनतोली, इसको ताबे में लेकर उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि काम जो है उसने उसके जो दो साथीदार है बादल अन्ना जीवाग फकीरावाड़ी और जैन सिंह भरत सिंह चौहान जो गोरखपुर MP का रहने वाला है, जो 6 महीना पहले ही काम छोड़ के चला गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।